चर्चित हिमांशु हत्याकांड के सभी 19 दोषियों को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पंचम एडीजे दीपांकर पांडे ने सभी दोषियों को गौरा चौकी के हिमांशु की जघन हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा धारा 302, 102, 120 बी, 148, 325, 248, 351, 307, 448 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई। सजा के दौरान सभी 19 दोषी कोर्ट के कटघरे में मौजूद थे। इस घटना की सूचक मृतक हिमांशु की मां जैलस देवी थी, जिसने बेटे की मौत के बाद स्थानीय कजरेली थाना में सभी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस बाबत अदालत ने 76 पन्ने का आदेश जारी किया, जिसमें घटना का पूर्ण उल्लेख किया गया है। वहीं अन्य धाराओं के अलावा 27 आर्म्स एक्ट में सभी को 7 साल की सजा सुनाई गई है, जो साथ साथ चलेगी। साथ ही न्यायालय ने सभी को अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतने की बात कही गई है। न्यायालय ने कहा कि जुर्माने की राशि का भुगतान मृतक हिमांशु के परिवार को सौंपी जाएगी। पूरे मामले में सरकार की ओर से होदा प्रकाश यादव एवं बचाव पक्ष की ओर से अरुण कुमार झा, राजीव कुमार झा, हरिहर कुमार, कौशलेंद्र नारायण साह, संजय कुमार चक्रवर्ती एवं परमानंद भगत ने हिस्सा लिया। वहीं सूचक की ओर से अधिवक्ता राम शरण सिंह न्यायालय में मौजूद थे। आदेश के वक्त न्यायालय खचाखच भरा हुआ था। अधिवक्ता एवं सुरक्षा कर्मियों सैकड़ों लोग आदेश के इंतजार में न्यायालय परिसर में उपस्थित थे। न्याय सही मिला आज, जो जितना आदमी दोषी पाया गया 19 आदमी था, इस केस में 19 आदमी था, 1900 आदमी को जो सजा पाया गया, सजा जो दिया गया लाइफ इंप्रिजनमेंट, फुल जीवन भर का सजा दिया 302 और 149 सब एकदम दोषी को सही सजा मिला। जो एक आदमी मान लिया जाए कि ये प्रेम विवाह करता था, प्रेम विवाह कर करके वो एकदम कोई ऐसा, दोनों आदमी बालिक था, लड़की भी जो सोनी कुमारी वो भी बालिक था, हिमांशु वो भी बालिक था, उसको गांव वाला को नगावार लगा इस बात को लेकर करके, इतना बड़ा सब आदमी मिल करके जैलेस देवी उसकी मां को जख्मी किया और हिमांशु को जो जा करके 1900 आदमी जा करके 20 आदमी था, हालांकि एक आदमी मर गया और 1900 आदमी को जो सजा तक। अदालत में हमने पक्ष रखा था 307 को, हमने ये रखा कि एविडेंस एक्ट का जो है क्योंकि सेक्शन जो है 134 कहता है कि अगर सिंगल विटनेस लीजिए तो सफिशियंट नहीं, तो आई विटनेस दो तीन आदमी था इस केस को, जैलेस देवी अपने आँख से देखी थी उसको मारते, एक लड़का को, जवान बेटा को, और उसके माँ के सामने उसका हत्या कर रहा, कितना निर्दयी पूर्वक उसको मारा गया। सन्मार्ग के लिए भागलपुर से अजीत कुमार के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।